हेलो एवरीवन, आई एम संजय एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन बायोलॉजिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। और इससे पहले हम ऑलरेडी पहले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं एसिडिक एंड अमाइड अमीनो एसिड्स के बारे में और एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम आज कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई प्रोटीन्स अब्सॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट। तीसरा क्वेश्चन है इन एब्सेंस ऑफ विच अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड अगर हम निकाल देंगे प्रोटीन में से तो प्रोटीन लाइट अब्सॉर्ब नहीं करेगा। और चौथा क्वेश्चन है कैन अमीनो एसिड अब्सॉर्ब लाइट इन एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला जो सेक्शन है ना, वो प्रोफेसर्स का बहुत चहिता सेक्शन होता है जहाँ से वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप बहुत, जब वो क्वेश्चन पूछें तो आप बहुत आंसर दीजिए और आप तभी कर पाएंगे जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई प्रोटीन्स अब्सॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर। तो आपको पता होगा कि भाई डीएनए करता है 260 नैनोमीटर पे, प्रोटीन करता है 280 नैनोमीटर पे, ये 20 नैनोमीटर का डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, है ना। प्रोटीन भी 260 पे क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो 280 पे इसलिए करता है क्योंकि प्रोटीन्स में कुछ ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनके पास एरोमेटिक रिंग्स होती हैं और वो एरोमेटिक रिंग्स की वजह से ही वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाती हैं ज़्यादा नैनोमीटर पे, ठीक है। तो वो कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, पहला है फिनाइल एलेनिन, दूसरा है टायरोसिन और तीसरा है ट्रिप्टोफेन। तो अब तो आपको पता चल गया कि भाई प्रोटीन में इन तीनों अमीनो एसिड्स की वजह से ही ये प्रोटीन 280 नैनोमीटर पे लाइट अब्सॉर्ब करता है। अब आती है दूसरे क्वेश्चन की बात। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपको, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा अमीनो एसिड्स इन तीनों में से सबसे ज़्यादा यूवी लाइट अब्सॉर्ब करता है, तो वो है हमारा ट्रिप्टोफेन। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें एक ही एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसमें भी एक ही एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो दो दो एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट हैं। जब दो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ट्रिप्टोफेन करता है सबसे ज़्यादा यूवी लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ना सीएसआईआर के क्वेश्चन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा करके आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको तीन ऐसे ऐसे करके बना के दिया हुआ रहेगा, ठीक। और यहाँ पे आपको ये है वेवलेंथ, ठीक है, ये है 280 नैनोमीटर, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट, ये है ना। तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा ये है एक्स अमीनो एसिड, ये है वाई अमीनो एसिड और ये है जेड अमीनो एसिड, ठीक है। और आपको बताना है एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है, जेड कौन सा है। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा यूवी लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है 280 पे, वो है हमारा ट्रिप्टोफेन, इसलिए जो एक्स होगा वो होगा ट्रिप्टोफेन, वेरी गुड। इससे कम जो करता है ना, वो करता है हमारा टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। तो वाई हो जाएगा हमारा टायरोसिन और सबसे कम जो करता है वो करता है हमारा फिनाइल एने फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे, इन एब्सेंस ऑफ विच अमीनो एसिड द प्रोटीन विल नॉट एब्जॉर्ब लाइट। तो भैया जब इतना कुछ पढ़ लिया तो पता ही चल गया कि इन तीनों अमीनो एसिड को जब हम प्रोटीन से निकाल देंगे, कौन कौन से, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन को, तो प्रोटीन क्या करेगा 280 पे लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स और इंटरव्यूज में अक्सर, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ ना, शायद आपको, चलिए छोड़, आके देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, ठीक है, तो उनमें से मैं भी था पहले, लेकिन अब मैंने पढ़ लिया है तो मुझको पता चल गया है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है, कैन अमीनो एसिड अब्जॉर्ब लाइट इन एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने अमीनो एसिड्स में से ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स निकाल दिए तो क्या प्रोटीन आपका एब्जॉर्ब करेगा लाइट, और अगर करेगा तो कितने नैनोमीटर पे करेगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा गया इंटरव्यूज़ में, और मैं आपको बता देता हूँ 99% बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं और बहुत कम जगह पे इतना डिटेल में दिया होता है। तो आज आपको वो डिटेल चीज़ पता चलने वाली है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं कि भैया ये तीनों अमीनो एसिड किस पे अब्जॉर्ब करते हैं लाइट, 280 नैनोमीटर पे, राइट, 280 नैनोमीटर पे करते हैं। अगर हमने इन तीनों अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में से निकाल दिया, या किसी प्रोटीन में ये तीनों अमीनो एसिड प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या अब्जॉर्ब करेंगे लाइट, तो उसका आंसर है हाँ, अब्जॉर्ब करेंगे लाइट। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर अब्जॉर्ब करेंगे लाइट तो कितने नैनोमीटर पे करेंगे, हम कौन सा वेवलेंथ यूज़ करेंगे पता करने के लिए कि भाई ये यहाँ पे ये प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आपको बता देता हूँ, दो वेवलेंथ हैं, ठीक है, दो वेवलेंथ हैं। पहला वेवलेंथ है हमारा 214 नैनोमीटर, एक तो हम इस वेवलेंथ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वेवलेंथ है हमारा 220 नैनोमीटर। ये दोनों वेवलेंथ को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन को देखने के, प्रोटीन को चेक करने के लिए कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, बावजूद उसके कि उसमें ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट है, फिर भी हम पता कर सकते हैं कि प्रोटीन है या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 214 नैनोमीटर और 220 नैनोमीटर ही क्यों यूज़ करते हैं। तो 214 नैनोमीटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होता है ना, वो क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें एलिफैटिक चेन्स होती हैं, है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, तो क्या होता है उसमें अमीनो ग्रुप होता है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब क्या करती है, 214 नैनोमीटर पे लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक, तो इसलिए हम 214 को यूज़ करते हैं नैनोमीटर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जिस सॉल्वेंट में ये प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसका हम 214 नैनोमीटर पे ओडी लेना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, उस सॉल्वेंट में इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकती है। और इम्प्योरिटीज़ किसकी होती है, ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों की होती है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की और सॉल्ट्स की, डिटर्जेंट्स की, तो वो सारी चीज़ें भी 214 नैनोमीटर पे ही लाइट अब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए एक ये बस कमी है 214 नैनोमीटर में, ठीक है। अगर आपको पक्का पता है कि भाई मेरा सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर है, तब तो फिर आप जाइए आराम से 214 नैनोमीटर पे भी ओडी ले सकते हैं, अगर आपके प्रोटीन में ये तीनों अमीनो एसिड नहीं प्रेजेंट। दूसरा है 220 नैनोमीटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है वाइवाज में। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि 220 नैनोमीटर क्या होता है, इस वेवलेंथ पे जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि दो अमीनो एसिड्स को कनेक्ट करता है, वो लाइट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, और चाहे ये अमीनो एसिड तीनों प्रेजेंट हो या ना हो किसी प्रोटीन में, लेकिन ऐसा कोई प्रोटीन हो ही नहीं सकता जहाँ की पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, इसीलिए 220 नैनोमीटर को हम यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा। और आपको अगर सब कुछ समझ में आया, ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो इस सीरीज़ में वीडियोस आने वाली हैं साइक्लिक हाइड्रोक्सिल सल्फर कंटेनिंग और बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसको जानने के लिए आप तक नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।